The question is, write the following in simplest form, and the expression is tan inverse 3a square x minus x to the power 3 divided by a cube minus 3ax square, where a is greater than 0 and x is greater than minus a upon root 3 but less than a upon root 3k. So let's see how we are going to solve the given problem. तो सबसे पहले मैं गिवन एक्सप्रेशन में चेंजेस कर रहा हूँ, और चेंजेस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ए रेज टू द पावर 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं इसको ए की पावर 3 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर 3, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है, और डिनोमिनेटर को आप लिखेंगे ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर 3k। अब अगर गिवन एक्सप्रेशन को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स आप चेक कर सकते हैं, द फर्स्ट टर्म इज योर 3x बाई ए, न्यूमिनेटर का जो फर्स्ट टर्म है वो आपका 3x बाई ए बनेगा, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इसका बनेगा x अपॉन ए का होल क्यूब, दिस इज x अपॉन ए का होल क्यूब, और डिनोमिनेटर की बात करें तो फर्स्ट टर्म आपका 1 है, क्योंकि ए क्यूब अपॉन ए क्यूब 1 होता है, और सेकेंड टर्म को आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। गिवन एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में लिखूं तो अपन इसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ एक्स बाई ए, 3 टाइम्स ऑफ एक्स बाई ए माइनस एक्स अपॉन ए रेस टू द पावर 3, दिस इज अ न्यूमरेटर पार्ट, और डिनोमिनेटर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 3 एंड दैट इज एक्स अपॉन ए रेस टू द पावर 2। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग x अपॉन ए को लेट कर रहे हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, सो जस्ट वी आर लेटिंग x अपॉन ए इज योर टेन थीटा। अब जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपको x के बारे में कंडीशन गिवन है, आपको x के बारे में कंडीशन गिवन है कि x की वैल्यू माइनस ए अपॉन रूट थ्री से ज्यादा है और a अपॉन रूट थ्री से कम है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इस a को डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं a को इस पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा x अपॉन ए इज ग्रेटर देन माइनस वन बाई रूट थ्री बट लेस देन वन बाई रूट थ्री के। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब क्योंकि ये जो x बाई ए है ये आपका माइनस वन बाई रूट थ्री और वन बाई रूट थ्री के ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, तो अपन इसके थीटा को क्लेम कर सकते हैं। मीन्स थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा हमारे पास माइनस के पाई बाई सिक्स से ज्यादा होगा और पाई बाई सिक्स से कम होगा, है ना, तो इट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई सिक्स टू पाई बाई सिक्स ओपन इंटरवल। तो चलिए फर्दर बात करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि हम लोग एक्स अपॉन ए को टेन थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो अब ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा टेन इनवर्स, दिस इज थ्री टेन थीटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेंजेंट ऑफ क्यूब थीटा, दैट इज अ न्यूमरेटर पार्ट, और डिनोमिनेटर को आप लिख सकते हैं वन माइनस के थ्री टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा के। अब जैसा कि आप जानते हैं कि टेन थ्री थीटा का जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला फॉर टेन थ्री थीटा इज थ्री टेन थीटा माइनस टेंजेंट ऑफ क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस के थ्री टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा के। तो ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं टेंजेंट ऑफ थ्री थीटा से, और जब आप इसे टेंजेंट ऑफ थ्री थीटा से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स टेंजेंट ऑफ थ्री थीटा। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट, देखिए अगर आपके पास एक फंक्शन है टेन इनवर्स टेन ए, अगर ये फंक्शन है आपके पास टेन इनवर्स टेन ए, तो आप इसे ए से रिप्लेस केवल तब कर सकते हैं जब आपका ये जो इनपुट है ए है ये आपका माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के ओपन इंटरवल में लाई करता हूं। तो मुझे अभी ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो एंगल थ्री थीटा है, ये जो इनपुट थ्री थीटा है, ये माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बिटवीन है या नहीं, तभी अपन डायरेक्टली इसे रिप्लेस कर पाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू आपकी माइनस पाई बाई सिक्स और पाई बाई सिक्स के ओपन इंटरवल में लाई कर रही है, तो मैं अगर इस गिवन एक्सप्रेशन में थ्री से मल्टीप्लाई करूं तो थ्री थीटा मेरा ग्रेटर होगा माइनस के पाई बाई टू से और लेस देन पाई बाई टू से। मीन्स वो कंडीशन हमने मेंटेन कर ली जब आपका जो थ्री थीटा है वो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है। अगर ये माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, इट मीन्स आप इसे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं थ्री टाइम्स ऑफ थीटा से। इट मीन्स ये आपको सजेस्ट करता है कि ये जो एक्सप्रेशन है टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स
माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए अपॉन रूट थ्री एंड लेस देन ए अपॉन रूट थ्री। अब जैसा कि आपको याद होगा कि आपने क्वेश्चन में एक्स को रिप्लेस किया था ए टेन थीटा से, और जब मैंने इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई किया है तो ये रिजल्ट कन्वर्ट हो रहा है थ्री टाइम्स ऑफ थीटा में, ये रिजल्ट कन्वर्ट हो रहा है थ्री टाइम्स ऑफ थीटा के। अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे इस थीटा को एक्स के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो वेल यूजिंग दिस कंडीशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक्स अपॉन ए आपके पास बराबर है टेन थीटा के, इट मीन्स थीटा इज योर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और जब मैं ये थीटा की वैल्यू रिप्लेस करूंगा यानी कि ये एक्सप्रेशन बन जाता है थ्री टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए व्हेन ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए अपॉन रूट थ्री बट लेस देन ए अपॉन रूट थ्री।